Ma'am, Dr. Amina Pari is the principal. Ma'am, welcome, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So nice. Thank you so much. नए रवानी जिंदाबाद, ये बलिदानी जिंदाबाद, ये बलिदानी जिंदाबाद, ला 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 ला। एक समंदर के लहरे हम, एक गगन के तारे हैं। एक समंदर के लहरे हम, एक गगन के तारे हैं। हम करगिल के विजय के, हम धरती के उतियारे हैं। एक कलम है, एक लक्ष्य है, सब जंग के अंगारे हैं। नए देश के निर्माता हम, भारत के रखवाले हैं, हम भारत के रखवाले हैं। हम करगिल के सैनिक बनकर अपना कदम बढ़ाएंगे, हम करगिल के सैनिक बनकर अपना कदम बढ़ाएंगे। करगिल कॉलेज के सैलानी हम हंसते गाते आएंगे, करगिल कॉलेज के सैलानी हम हंसते गाते आएंगे। नई कहानी जिंदाबाद, नई रवानी जिंदाबाद, नई रवानी जिंदाबाद, ये बलिदानी जिंदाबाद, ये बलिदानी जिंदाबाद, ला 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 ला। पश्चिम मिले हमारे देश के मैदानों में, पूरा पश्चिम मिले हमारे देश के मैदानों में। खेल चमन के खुलक रहे हैं देख हिंदुस्तानों में, राह बनाते हैं अपनी हम आंधी में तूफानों में। नई जिंदगी भर देंगे हम दुनिया के इंसानों में, हम दुनिया के इंसानों में। करगिल विजय के आह्वानों को नई जवानी रे, करगिल विजय के आह्वानों को हमने शीश चढ़ाए हैं।
सर काफ़ी हद तक इश्यूज जो है अभी तक सर बहुत सारे इश्यूज राइज कर रहे थे, खुसूस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था, कई सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी तक जो है एग्जामिनेशन के हवाले से उनको प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में ऐसे वाइस चांसलर आप अभी नए ज्वाइन हुए हैं, तो आने वाले दिनों में आपकी किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगा, खुसूस जो इश्यूज राइज हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है वैकेंसीज खाली है और उनको फिल करने के लिए आपका किस तरह से इकदाम रहेगा सर? तो जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, कुछ पुराने रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर थे, तो उसके लिए लास्ट वीक मैंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात की, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि ये जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करके जल्दी से जल्दी हमें स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, मेरी दोबारा भी व्हाट्सएप पे मैसेज मैंने भेजा था, उन्होंने कहा भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हम कर रहे हैं और शॉर्टली ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर देंगे। जहाँ तक आगे की बात है, जो लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंडर जब ये कॉलेज आ गया है, तो उसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसको स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास पोजीशंस नहीं है, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की पोजीशन भी नहीं है, जैसे ही हमें पोजीशन मिलती है MHA से तो इमीडिएटली हम फिल करेंगे और सिस्टम को ऑनलाइन करेंगे। तो वो हमने एक IT एक्सपर्ट को हायर करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया, सो ये सारी कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस होगी। बात है वो मैडम से भी ये बात हुई है, जो हायर एजुकेशन से जो भी बात करनी है मैडम और मैं मिलके हम ये इश्यूज टेकअप करेंगे, क्योंकि कॉलेजेस की ग्रांट डायरेक्टली हायर एजुकेशन से आती है, ना कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से। तो कोशिश करेंगे कि हायर एजुकेशन को अप्राइज किया जाए ये प्रॉब्लम्स का और इस कॉलेज को स्पेशल असिस्टेंस दी जाए, बिकॉज ऑलरेडी कॉलेज इतना अच्छा कर रहा है, तो मैन पावर की कमी जो है उसको दूर किया जाए और जो स्पेस की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। सो ये सारी चीज़ें लद्दाख के बेनिफिट के लिए, पर्टिकुलरली कारगिल के बेनिफिट के लिए, हमारे और स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन करें और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो और टीचर्स आएँ, तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन।